आइए अब देखते हैं वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक दमदार एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मार्केट पे। तो आज जैसे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ट्रेड देखा तो दो दिन से एक कंटिन्यूस एक दबाव मार्केट पे बना हुआ था और मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बिकवाली भी आ रही थी, लेकिन ग्रेजुअली मार्केट धीरे 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 नीचे स्लाइड एक हो रहा था, उसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा था। तो आज का सेशन भी मोर और लेस ऐसा ही था, लेकिन हालांकि आज जिस तरह का क्लोज आया वो एक अच्छा पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज मिला है दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, निफ्टी का आज करीब 10,115 के आसपास का क्लोज है, जो कि करीब एक 70 पॉइंट की तेजी उसमें देखने को मिली। लेकिन जिस तरह का दबाव हमने लास्ट के दो दिन में देखा है तो उससे लगता है कि निफ्टी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बुलिश कंसोलिडेशन काइंड ऑफ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो जिसकी हमने पिछले कुछ वीडियोज में आशंका बताई भी थी कि इतने शार्प कुछ दिनों की तेजी के बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में आ सकता है। तो एग्जैक्टली वही हमको देखने को मिल रहा है। और मार्केट में अब नई तेजी एटलीस्ट निफ्टी में तभी बनेगी जब 10,280 10,300 के ऊपर निफ्टी निकल के क्लोज सस्टेन होने में कामयाब होता है। बट टिल द टाइम हमको लगता है कि ऑन द लोअर साइड 9,960 9,970 ये एक उसका एक वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है, और ऑन द हायर साइड 10,280 10,300 एक बेस्ट पॉसिबल केस में ये एक ऊपर की तरफ का उसका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये एक रेंज लग रहा है जिसमें अगले एक दो सेशन के लिए मार्केट रहेगा ऐसा लग रहा है। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो बैंक निफ्टी में भी हमने आज जिस तरह का एक क्लोज देखा है 21,100 के आसपास का इसका क्लोज है, तो इसमें भी करीब 450 पॉइंट के हमको आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि दिन भर दबाव इंडेक्स में बना रहा, लेकिन टुवर्ड्स एंड जिस तरह से एक रिकवरी शानदार रिकवरी कुछ स्टॉक्स में देखी गई तो उसके चलते लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं बैंक इंडेक्स में भी वापस आती हुई दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो असली रेजिस्टेंस आते हैं वो करीब 21,650 से लेके 21,800, ये एक ऐसा एक जोन है जहाँ पे बैंक निफ्टी को इसके पहले भी दो तीन बार एक जबरदस्त सेल ऑफ उस जोन में हमको देखने को मिला है। तो वो जोन ऐसा जोन है कि जिसके ऊपर अगर निकलने में बैंक निफ्टी कामयाब होता है और सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छी तेजी उसमें बनेगी। आगे फिर हमको एक हैंडसम एक 2,000 से 2,500 पॉइंट का अपमूव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फॉर दैट वी नीड अ क्लोज अबोव एटलीस्ट 21,650-21,800 जोन। ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट आ रहे हैं तो 20,500 के आसपास का एक ऐसा जोन है जहाँ पे पीछे डिस्पाइट ऑफ सम सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट उस जोन में ले रहा है। तो नीचे में 20,500 और ऊपर में 21,800 ये एक ऐसा जोन है जिस जोन में लगता है बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। और इधर साइड में अगर रेंज उसका एक वायलेट होता है तो उस तरफ फिर एक डायरेक्शनल मूव हमको देखने को मिलेगा जो कि एक थोड़ा डिसाइसिव मूव हो सकता है। तो ये तो हुआ इंडेक्स पे व्यू। अब भी स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक पिक्स आज के। इससे पहले मैं बताऊँ तो मैं पिछले सत्र में हमने पिछले वीडियो में हमने जो एक स्टॉक रिकमेंड किया था आरबीएल बैंक, तो उसका आज हमने टारगेट कंप्लीट होते हुए दिखा है। करीब 130-135 के रेंज में हमने इसको रिकमेंड किया था और आज 160 का टारगेट ऑलमोस्ट स्टॉक का अचीव हुआ है। तो ये एक उस पर अपडेट था। और जहाँ तक आज के स्टॉक पिक्स का सवाल है तो आज के दो स्टॉक हमको अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है एक इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का आज का जो क्लोज है वो करीब 500 का उसका क्लोज मिला है। और इस बैंक स्टॉक का अगर हम लास्ट के कुछ दिन से एक टेक्निकल मूवमेंट देखें तो ये एक स्टॉक बहुत एक दायरा उसका बन गया था, मतलब ऊपर की तरफ 485 के आगे ये निकल नहीं पा रहा था और नीचे की तरफ 350-370 ये उसका एक रेंज लास्ट के तीन महीने से करीब ये उसका एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ था। लेकिन आज जिस तरह का क्लोज हमने देखा है और स्पेशली लास्ट के आधे घंटे में एक जबरदस्त उछाल इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। करीब 8% का अपमूव इसमें देखने को मिला आज क्लोजिंग बेसिस पे।
तो लगता है कि ये स्टॉक में ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक रेंज इसका बन गया था ब्रॉडर, उस रेंज के बाहर आज ये स्टॉक निकला है काफी करीब 2-2.5 महीने के बाद। तो इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है तो रेंज एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है ऑन द हायर साइड। तो हालांकि ये भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन और वोलाटाइल नेचर का काउंटर है, तो इसमें थोड़ा सा एक अगर डिप आता है टुवर्ड्स 485 490 जोन में, अगर कोई डिप आता है तो उस डिप में स्टॉक में खरीदने की सलाह होगी। इसका स्टॉप लॉस जो ब्रॉडली बनेगा वो 460 के आसपास का बनेगा, और ऊपर में इसके जो टारगेट आ रहे हो करीब 555 से 560 इस जोन तक के टारगेट इसके बन रहे। तो ये एक स्टॉक है जो हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है टेक्निकली। दूसरा जो स्टॉक है जिसमें आज हमको एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला है और एक जबरदस्त क्लोजिंग भी अपने 52 वीक हाईस पे देखने को मिला है, तो स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का आज करीब 971 के आसपास क्लोज है। इसमें भी जबरदस्त एक करीब 3-3.5% की हमने 3% के आसपास की तेजी हमने स्टॉक में आज देखी है। तो स्टॉक के फेब्रुआरी में एक जो हाईज बने थे वो करीब 955 954 के आसपास के थे, तो उस हाई को आज डिसाइसिवली इस स्टॉक ने टेकआउट किया है, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है टेक्निकली। और यहाँ से आगे हमको लगता है कि स्टॉक में एक जबरदस्त अपमूव आने का उसका एक चार्ट स्ट्रक्चर है और उतना दमखम उस स्टॉक में लग रहा है। तो थोड़ा डिप अगर स्टॉक में आता है टुवर्ड्स आज जैसे मुथूट फाइनेंस का जो क्लोज है 971 का, तो 955 से 960 की तरफ अगर या 960 की तरफ कोई भी डिप स्टॉक में आता है तो उसमें बाय खरीदारी की सलाह होगी। ब्रॉडली इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 940 के आसपास का रहेगा, और ऊपर में इसके जो टारगेट बन रहे हैं वो करीब 1040 से 1045 इस रेंज तक के टारगेट इसके लग रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम उसमें डेवलप हो सकता है ऑन द हायर साइड। तो ये दो स्टॉक है जो हमको टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू सेशंस। एक है इंडसइंड बैंक और दूसरा है मुथूट फाइनेंस।